आज हम फ्रिल वाला बिब बनाना सिखाएंगे और इस बिब की कटिंग हमने क्लास नंबर 3 में करनी सिखाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पाइपिंग को जोड़ के रखना है। ये हमारा अस्तर हुआ और ये हमारी कॉटन फोम और ऊपर बिब का कपड़ा। इसे लगाकर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। पहले ये सिलाई इसलिए लगाइए ताकि फ्रिल लगाने में परेशानी ना हो। अब हम फ्रिल बनाएंगे। हमें कपड़ा फोल्ड करना है। डबल कपड़े की फ्रिल बनानी है ना, आप सिंगल की भी बना सकते हो, तो इसलिए ऊपर से मोड़ के तभी फ्रिल बनाएं। धीरे धीरे हाथ चलाना है। फ्रिल को आप चौड़ी भी बना सकते हो। और सिंगल कपड़े की भी बना सकते हो। फ्रिल बनाने के लिए हमें डबल कपड़े की ज़रूरत होती है। हमारे बिब की जो गोलाई है ये 20 इंच की है चारों तरफ से, तो इसमें हमने कपड़ा जो है, फ्रिल का कपड़ा जो लिया है ये 40 इंच का लिया है, 40 इंच की पट्टी। अब हम इसे इस पर आधा इंच छोड़ेंगे ऊपर से। देखो ये आधा इंच छोड़ दिया हमने और इस पर सिलाई लगा देंगे चारों तरफ बहुत हल्के हाथ से। फ्रिल को खींचनी नहीं है बिल्कुल भी, ढीले हाथ से लगाए पाइपिंग की तरह। ये जो गोलाई पे लगाते हैं फ्रिल या पाइपिंग, इसे ढीले हाथ से ही लगानी होती है ताकि ये गोलाई वाला कपड़ा सिकुड़े ना। इसे हम काट देंगे, फालतू है ये, फालतू बनाई थी हमने थोड़ी सी। और इसे भी हम अब फोल्ड कर देंगे ऊपर से। यह हमारी फ्रिल तैयार हो गई इस पे लग के। अब हमें इसके ऊपर अस्तर लगाना है। और अस्तर लगाने के बाद हमें ऊपर कंधी पर से सिलाई शुरू करनी है। पलटना है ना ये, इसलिए
सफाई आ जाएगी ऐसे। और अब एक पैर की सिलाई लगाएंगे, फ्रिल वाली सिलाई के ऊपर कोई सिलाई घुमा दें। ये हमारी सिलाई तैयार है, अब हम पलट देंगे इसे। अब एक पैर की सिलाई लगानी है इस पे चारों तरफ सफाई आने के लिए। अब गले में भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के लिए, पाइपिंग लगाने में परेशानी ना हो। ये जो पाइपिंग है हम इसे 8 इंच छोड़ेंगे, आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोड़ सकते हो, 10 इंच की भी छोड़ सकते हो इसे। इसे ऊपर से फोल्ड करके दोनों तरफ से और इसे हम मोड़ देते हैं। कट लगाने भूल गई थी मैं, अब कट लगा रही हूँ ताकि पाइपिंग में परेशानी ना हो। गले की गहराई में जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो ये हमें खींच के लगानी होती है। अगर हम इसे पाइपिंग को नहीं खींच के लगाएंगे तो फिर पाइपिंग सफाई से नहीं आएगी। बाहर की तरफ पाइपिंग लगाए तो वो ढीले हाथ से, और अंदर की तरफ पाइपिंग लगाएंगे इसमें हम तो वो सख्त हाथ से थोड़ी खींच के, तो फिर बिल्कुल पाइपिंग सही बैठेगी। इसे काट के इसमें हम ये कॉर्नर बना के लगा देंगे ताकि बीब की सुंदरता बढ़े, अच्छा लगे ये। इन्हें पलट के और काट देंगे अब बिल्कुल इकसार करके। ये हमारा फ्रिल वाला भी तैयार है।